हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे चेस्ट में जो पेन होता है उससे क्या हम पता लगा सकते हैं कि हमको होने वाला बेबी बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। तो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमको क्या होने वाला है। पुराने जमानों से हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं सिम्टम्स को एक गर्भवती महिला के अंदर देख के ये पता लगाते थे कि उनको क्या होने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम अनुमान लगाएंगे वो सही ही होगा, कभी गलत भी हो जाता है। तो इसका हम 100% जो श्योर कहते हैं 100% श्योर नहीं हो सकते कि ये सारे जो अनुमान हैं वो सही हैं कि नहीं। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। उसके साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फील की या फिर अपनी बॉडी में जो चेंजेस देखे। मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई तब मुझे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया और ये एक सिम्टम्स था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं, लेकिन जब मुझे चेस्ट में पेन होने लग गया तो बहुत टाइम तक होते रहा, बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। तो इसके बारे में हम लोग सोचते सोचते सर्च वर्च किया, उसके बाद देखा कि हाँ ये एक सिम्टम हो सकता है प्रेगनेंसी का। तो हमने उसको एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया, उसके बाद मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया। अगर आपका अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स में देखा जाए तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट है। उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि सभी प्रेग्नेंट लेडी को चेस्ट में पेन होता होगा, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो रेडी होता है बेबी को फीड कराने के लिए, इसलिए हमारे चेस्ट में पेन होना एक कॉमन बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी फील की। लेकिन मुझे औरों का नहीं पता कि सबको होता है कि नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से सबको ही होना चाहिए चेस्ट में पेन, क्योंकि ब्रेस्ट जो होता है वो तैयारी करना स्टार्ट कर देता है बेबी को फीड कराने के लिए। उसके साथ ही चेस्ट में बहुत सारे ऐसे चेंजेस भी होते हैं जैसे कि निप्पल का ज़्यादा डार्क हो जाना या फिर निप्पल के आसपास में कुछ दाने दाने जैसा हो जाना, ये इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल। ऐसे कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम इससे पता नहीं लगा सकते कि हमको क्या होने वाला है। और हमारे पुराने जमाने से ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपके आपके ब्रेस्ट में पेन रहता है पूरे 9 महीने तो कहते हैं बेबी बॉय होगा। इसके अपोजिट अगर आपके चेस्ट में थोड़ा बहुत पेन होता है, स्टार्टिंग के मंथ में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब बेबी गर्ल होने वाली है। लेकिन ये कहाँ तक सही है? मेरी प्रेगनेंसी में मुझे प्रेगनेंसी के पूरे मंथ जो है 9th मंथ तक चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन रहता था और मुझे हुआ बेबी बॉय। तो ये जो सिम्टम्स है मेरे ऊपर सही बैठा, क्या पता आपके ऊपर भी सही बैठे। तो इसका कोई परफेक्ट जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सोचना बंद कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी पर ध्यान दीजिए, खाइए पिए अच्छे से और हैप्पी रहिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।